आजादी से अभिप्राय है कि हमारी मानसिक आज़ादी से हो सकता है, हम जो सोचते हैं सोचने की आज़ादी है, और ये सारी की सारी जो फ्रीडम है हमारे संविधान में इसको बताया गया, व्याख्यान किया गया। लेकिन आज स्थिति ये हो चुकी है कि हम हर स्थिति में अपने आप को आज़ाद मानना हमने शुरू कर दिया गया है। जहाँ तक हम आज़ाद हैं, लेकिन हमें कभी ये नहीं सोचते कि जहाँ दूसरे के आज़ादी खत्म होती है वहाँ हम इंटरफेयर ना करें। अगर हमें अधिकार दिए गए हैं तो साथ में हमें कर्तव्यों का भी पालन करना पड़ेगा। कई बार हम जब खुली आज़ादी की तरफ चलते हैं तो दूसरों को उससे नुकसान होता है, इसीलिए हम संविधान से बंधे हुए हैं। और संविधान के अनुसार अगर हम अपनी आज़ादी का, स्वतंत्रता का अगर सही इस्तेमाल करें तो हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। देखिए सर, आज़ादी एक थोड़ा डिफरेंट एक कंसेप्ट है। मुझे लगता है कि हम लोग अभी पूरी तरह से आज़ाद नहीं हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि अपने राइट्स को लेके, अपनी ड्यूटीज़ को लेके हर तरफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। आप कहीं भी चले जाएं, आपको अगर आपकी पॉलिटिकल अप्रोच है, आपके पास और कोई सोर्सेज हैं, तो इलीगल जो काम है उसको लोग बड़ी इजीली कर लेते हैं, और जो लोग ईमानदार हैं और अपने मेहनत से काम करते हैं वो लोग अभी भी पीछे हैं, मुझे लगता है। तो इस बात को लेके मुझे लगता है कि आज़ादी एक अलग, हम तो आज़ाद भारत में पैदा हुए हैं ऐसा हम आज तक सुनते आए हैं, लेकिन किसी भी काम को करने के लिए मुझे लगता है कि वी आर नॉट इंडिपेंडेंट स्टिल, बिकॉज देयर इज़ लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, एवरीथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग। नेताओं ने पॉलिसियाँ बनाई हैं सिर्फ अपने लिए, गरीब मजदूर, और सबसे बड़ी जो आजकल समस्या है वो अनएम्प्लॉयमेंट की है। तो गवर्नमेंट्स भी वोट लेने तक ही सीमित रह गई है, और मुझे लगता है कि हम आज भी उन लोगों के गुलाम हैं, जो सरकार है उसके हम आज भी गुलाम हैं। वो जो चाहे जिस तरह से चाहे वो काम करते हैं और वो चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं। आज़ादी को लेके हम ये मानते हैं कि मतलब किसी तरह अपने आप को मतलब फ्री महसूस करना। जैसे पहले हमारा देश था वो पहले गुलाम था, फिर उसके बाद काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद हमारा जो देश है वो आज़ाद हुआ। तो आज़ादी पाना एक बहुत ही मुश्किल काम था, तो हमारे सेनानियों ने उसके रिगार्डिंग बहुत ही मतलब स्ट्रगल किया है, कुर्बानियाँ दी हैं, उसके बाद हमें उस चीज़ से आज़ादी मिली है। आज़ादी से हम सबका मतलब है कि जो हम सोचते हैं वो हम कर सकें, अपने विचारों को जैसे हम चाहते हैं खुली हवा में सांस ले सकें। परंतु ये सोचते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो न जाने आज की जनरेशन की बात करें या अपनी बात करें, मुझे ऐसे लगता है कि 1947 में जैसे जिस तरह से देश हम तक उन वीरों ने पहुंचाया था और बहुत सारी जानें कुर्बान की थी, शायद एक या दो पीढ़ियां इस देश को आज़ाद करवाने के लिए कुर्बान हो गई थी। 1947 के बाद आज़ादी का मतलब हमारे लिए वो नहीं है। पहले तो लोगों को खुली हवा में सांस लेना भी दिक्कत था। आज मेरे हिसाब से आज़ादी का मतलब है कि पुराने हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे देश के बड़े नेताओं ने, दिग्गजों ने देश को जिस हालात में हमारे हाथों में दिया और जो आशय और अपेक्षाएँ हमसे रखी गई थी, और उन अपेक्षाओं को साथ में रखते हुए, साथ में नैतिक मूल्यों को आगे ले जाते हुए फिर हम अपने विचारों को आगे लेके बढ़े, फिर खुली हवा में सांस लें, तो वाकई में आज़ादी का नाम का शब्द सार्थक होगा। हम लोग 15 अगस्त हर साल मनाते हैं। हमारे देश को आज़ाद हुए करीब करीब 65-70 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी भी हमारा युवा वर्ग जो है वो पूरी तरह से आज़ाद नहीं हो पाया है। हमारे यहाँ नशे का कारोबार जो है बड़ी बुरी तरह से पंजाब से होता हुआ हिमाचल में भी आ रहा है, पूरे स्टेट्स जो हैं, पूरा भारत जो है इसकी गिरफ्त में आहिस्ता आहिस्ता जो है आ रहा है। और हमारे जो युवा वर्ग है ये जो है सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इन्होंने अपने मन को भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं किया है। इनका जो मन है, इनका जो दिमाग है, वो भी अभी तक स्वतंत्र नहीं हो पाया है। ये अपने विचारों को खुले रूप से जो है वो नहीं दे पा रहे हैं, एक कुंठित से हो गए हैं, क्योंकि जब इनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाती हैं, बेरोजगारी की समस्या आ रही है भारत में। इसका मेन कारण यही है कि स्वरोजगार को बच्चे जो हैं वो नहीं अपना पा रहे हैं।